तो सबसे पहले किसान भाई लोग, आपको तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने हमारे देसी जुगाड़ टेक चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर पूरा करा दिए, उसके लिए हमारी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। तो किसान भाई लोग, आज हम आप लोगों के लिए फिर से एक नया और देसी जुगाड़, वो भी जोरदार और गारंटी के साथ वाला देसी जुगाड़ हम फिर से लेके आ गए हैं। और देसी जुगाड़ ये जो है किसान भाई लोग, आप लोग देखेंगे जानेंगे तो आप लोग भी कहेंगे हाँ, ये देसी जुगाड़ वास्तव में बहुत ही कारगर है। किसान भाई लोग, हमारे कई किसान भाई का कहना है कि हमारे चैनल पे नीलगाय के अलावा और भी कोई देसी जुगाड़ बनाया जाए, जैसे कि बंदर भगाना हो गया, लोमड़ी भगाना हो गया, और तमाम चीज़ जैसे इस समय खेत को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके लिए देसी जुगाड़ बनाया जाए। तो हमने आज सोचा कि ऐसा देसी जुगाड़ बनाया जाए जिससे कि हम नीलगाय, जंगली सुअर, आवारा पशु के साथ साथ बंदर, नीलगाय और लोमड़ी, जंगली सुअर सभी से हमें छुटकारा मिल जाए। तो किसान भाई लोग, आप लोगों के लिए हम ये जो देसी जुगाड़ लेके आए हैं, आप लोग इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। किसान भाई लोग नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार मौर्य, आपका स्वागत है हमारे देसी जुगाड़ टेक चैनल में। तो किसान भाई लोग, ज़्यादा समय न लेते हुए हम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए किसान भाई लोग, यही वो जादुई चीज़ है जिससे हम आपको आज का देसी जुगाड़ बना के दिखाएंगे, और इसके साथ एक चीज़ और हम मिश्रण करेंगे जिसको आप लोग को अभी आगे हम दिखाएंगे। तो किसान भाई लोग देखिए, सबसे पहले हमें ये आइटम लेना है, उसके बाद हम एक बाल्टी ले लेंगे प्लास्टिक का, इसमें हम इसको डाल देंगे। इसका रेशियो अभी आपको हम आगे इस वीडियो में बताएंगे कि इसका नाम क्या है और इसके साथ अभी हम और क्या मिलाने वाले हैं। तो किसान भाई लोग, आज का ये जो देसी जुगाड़ हम आपको बना के दिखाने वाले हैं, इसको हम बना के ही केवल नहीं, आपको प्रैक्टिकली करके और इसको हम कैसे इसका यूज़ करना है, कैसे इसको इस्तेमाल करना, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे और करके दिखाएंगे भी। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम आपको बना के दिखाते हैं ये जुगाड़। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं, इसका नाम है, आपको आगे भी बताते हैं। पहले इसको हम, इसका रेशियो रहेगा 100 ग्राम, इसको 100 ग्राम के मात्रा में हमको लेना है इसको हम। और ये जुगाड़ आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाला है किसान भाई लोग। इसको हम अच्छे से इसमें मिला देते हैं। अब इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पहले पानी मिला लेते हैं, थोड़ा सा हम इसमें पानी मिला लेंगे, एक लोटा और दो लोटा, ताकि इसमें हमारा अच्छे से घुल सके। अब इसको हम एक डंडी के माध्यम से अच्छे से इसको पहले घोल बना लेते हैं। कैमरामैन थोड़ा सा हमारे किसान भाई लोग को दिखा दीजिए, ये देखने में तो एकदम लोग समझ रहे होंगे, लेकिन इसमें अभी जो मिलने वाला है अगला आइटम, उससे इसका जो है पूरा शक्ल बदल जाएगा। और ये जुगाड़ हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा करके देख चुके हैं, तो आज हम अपने खेत में फिर से इसका छिड़काव करने जा रहे थे, तो हमें लगा कि इसको हम लाइव बना के अपने किसान भाई लोग को दिखाते हैं और इसका छिड़काव कैसे करते हैं, और इसका रिज़ल्ट भी अच्छा आता है। और किसान भाई लोग, हम आपको बराबर समय समय पर आप लोगों को नीलगाय भगाने, जंगली सुअर, आवारा पशु को भगाने के लिए समय समय पर वीडियो देते रहते हैं, और हम भी अपने खेत में उसका इस्तेमाल करते हैं, और इसके वजह से आपको हम बताते हैं, क्योंकि हम इसका एक्सपेरिमेंट करके तब आप लोगों को इसका रिज़ल्ट देते हैं। और अब इसमें हम इसको अच्छे से घोल देते हैं, कुछ टाइम के बाद इसको छोड़ देते हैं, इसको कुछ एक 2-4-10 सेकंड के लिए इसको छोड़ देते हैं। अब इसके बाद देखिए किसान भाई लोग, अभी जो हम अगला आइटम आपको बताने वाले हैं, आप लोग बहुत आसानी से इसको भी ले सकते हैं, ये है अंडा। इसको देख लीजिए किसान भाई लोग, इसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते भी हैं, और आपके मार्केट में, आपके मोहल्ले में, आपके एरिए में आसानी से मिल जाएगा ये जुगाड़। मात्र और मात्र 10 से 15 रुपये खर्चा करने वाला है, और रिज़ल्ट आपको हज़ारों का मिलने वाला है। तो किसान भाई लोग, अभी जो हमने इसमें मिलाया है वो है हमारे और आपके घर में मिलने वाला सर्फ, सोडा जिसको बोलते हैं, कपड़ा धुलने वाला, उसको हमने लिया। उसका मात्रा भी आपको हम बताते हैं कितना में लेना है। अभी देखिए, इसमें हमने थोड़ा सा मिलाया है, और इसके बाद हम इसमें 100 ग्राम का मात्रा रखेंगे। अभी हमने जो डाला है लगभग 50 ग्राम था, अब इसमें हम और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। और देखिए किसान भाई लोग, ये जो हम मात्रा और रेशियो बता रहे हैं, ये एक बीघे के मात्रा के अनुसार हम बता रहे हैं। इतना छिड़काव आप लोग, इसका छिड़काव आप लोग एक बीघे में पूरे आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, अभी इसको हम और 50 ग्राम और ले लेते हैं, लगभग देखिए 50 ग्राम हो गया। अब इसमें हम और डाल देते हैं, अभी इसको हमने कुछ समय के लिए रखा था, थोड़ा सा फूल जाए। अब इसको फिर से हम इसको अच्छी तरीके से इसको घोल देते हैं, ताकि इसमें, अभी हम इसमें जो पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं किसान भाई लोग, ये केवल और केवल इस घोल को तैयार करने के लिए कर रहे हैं। बाकी अभी आपको आगे हम बताएंगे इसमें पानी कितना मिलाना है और कितने पानी में इसका छिड़काव अच्छे तरीके से हो सकता है। देखिए,
अब ये हमारा घोल लगभग अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। अब इसमें हमारा अगला आइटम मिलने वाला है, इसको हम किसी पत्थर या किसी के माध्यम से इसको हम फोड़ देते हैं। देखिए किसान भाई लोग, ये है या ये देसी जुगाड़। अभी जादुई चीज़ आप लोग कहेंगे कि हाँ ये वास्तव में देसी जुगाड़ कारगर है, क्योंकि आपको YouTube पे तमाम लोग बताते होंगे लेकिन कोई करके नहीं दिखाता है। वजह यह है कि उनको पता नहीं रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि वो लोग आप लोग से शेयर नहीं करते। लेकिन हम जो देसी जुगाड़ बताते हैं आपको रिजल्ट आने के बाद ही बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको अंडा मिला ले। इसमें देखिए किसान भाई लोग, आपको सोडा अगर आप 100 ग्राम के बजाय आप 50 ग्राम भी रखेंगे कोई दिक्कत, लेकिन आपको अंडे को 2 ही पीस रखना है, उससे कम नहीं रखना है। चलिए अब इसको हम अच्छी तरीके से इसको भी घोल लेते हैं। इसको अंडे को अच्छी तरीके से इस घोल में मिक्स कर देते हैं। अगर किसान भाई लोग हमारा ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, अगर आपको इससे कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आप लोग ज़रूर हमारी इस वीडियो को लाइक करिए और उन किसान भाई के पास भी पहुंचाइए जो इस समय नील गाय, जंगली सुअर, आवारा पशु और सबसे ज़्यादा इसमें बंदर भी परेशान कर रहे हैं, उन लोगों के पास इस जुगाड़ को पहुँचाइए। क्योंकि हमारे कई सब्सक्राइबर भाई का और किसान भाई लोग का रिक्वेस्ट था कि आप बंदर भगाने के ऊपर बताइए कोई देसी जुगाड़। तो ये जो देसी जुगाड़ हम आपके लिए बना रहे हैं, इससे आपके खेत में नील गाय, जंगली सुअर, आवारा पशु और आपको बंदर, चूहा और लोमड़ी सभी से छुटकारा मिलने वाला है। इससे आपके फसल पे भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और अभी आपको आगे हम बताएंगे, कुछ गलतियां अगर आप करते हैं तो हो सकता है आपके जो है फसल को भी नुकसान पहुँचे, वो गलतियाँ क्या हैं अभी हम आपको आगे बताएँगे कि इसमें आपको वो गलती नहीं करना है किसान भाई लोग। और आपका खेत भी सेफ रहे, आपके खेत से जंगली सुअर इस छिड़काव की वजह से 3-3 महीने तक आपके खेत की तरफ देखेंगे नहीं ये सब जानवर। जल्दी जल्दी से हम इस घोल को तैयार कर लेते हैं। एक बार हमारे किसान भाई लोग को इस घोल को दिखाइए, क्योंकि घोल का कलर बदल चुका है। देखिए अब ये भी वाइट था, अब ये धीरे धीरे स्काई सॉरी मटमैला कलर में होने जा रहा है। देखिए चलिए अब किसान भाई लोग, लगभग हमारा घोल पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब इसका हम चलेंगे, आपको लाइव डेमोस्ट्रेशन दिखाएंगे आपको इसका छिड़काव कैसे करना है। अब देखिए किसान भाई लोग, आपको इसका छिड़काव ऐसे करना है, आप अपने खेत के अनुसार अपना पानी इसमें मिला लीजिए। आपका खेत अगर कम एरिया है तो आप इसमें 15 से 30 लीटर पानी मिला सकते हैं। और अगर आप लोग इसका छिड़काव 1 बीघे के एरिया में करना चाहते हैं तो इसमें आप कम से कम 80 लीटर पानी में आसानी से इसको मिला के छिड़काव कर सकते हैं। इसमें देखिए किसान भाई लोग, अगर आप लोग इसका और अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो इसको आप इस तरीके का घोल बनाने के बाद आप इसको 1 हफ्ते के लिए रख दीजिए, ताकि इसमें जो ये अंडा और हमने सर्फ मिलाया हुआ है ये अच्छी तरीके से मिल के सड़ जाए, और सड़ने के बाद ये और कारगर हो जाएगा, जिससे कि आपको अच्छा रिजल्ट और मिलेगा। और किसान भाई लोग देखिए, ये जुगाड़ जो है हम बनाए हैं, जो इसमें आपको लग रहा होगा कि ये काम कैसे, ये तो घर में यूज होने वाला सामान है, इससे कैसे होगा, तो आपको बता दें इसका क्या रीज़न क्या है। इसमें हम जो सोडा मिलाए हैं इसमें केमिकल का मात्रा होता है, और हमने जो अंडा मिला है ये दोनों मिश्रण होने के बाद इसमें से एक अलग पदार्थ तैयार होता है और अलग तरीके का दुर्गंध निकलता है, जिससे कि हम अपने खेत के चारों तरफ जब इसका छिड़काव करेंगे तो हमारे जो जंगली जानवर और आवारा पशु होते हैं उनको कुछ ऐसे दुर्गंध से एलर्जी होता है, वो लोग उसके पास आने का कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे ही उनके नाक के पास ये दुर्गंध पहुँचेगा वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं, क्योंकि ये दुर्गंध ही बहुत खतरनाक होता है। तो चलिए किसान भाई लोग, अब इसका हम छिड़काव आपको करके दिखाते हैं, क्योंकि हमारे खेत का एरिया तो बहुत बड़ा नहीं है, तो हमारे पास मतलब स्प्रेयर मशीन की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो हम इसको अभी आपको एक दूसरे तरीके से छिड़काव करके दिखाते हैं। तो पहले इसमें हम अपना 15 लीटर पानी मिला लेते हैं। अब 15 लीटर पानी मिलाने के बाद इसको आपको हम देखिए, इसमें हम पानी इस तरीके से लगभग हमारा जितना एरिया, हमारा 15 लीटर से भी कम पानी है, क्योंकि हमारा देखिए किसान भाई लोग, हमारा खेत का एरिया बहुत छोटा है। तो चलिए अब इसको हम इस लोटे के माध्यम से इसका छिड़काव करते हैं, और ये घोल हमारा तैयार है। अब किसान भाई लोग, अगर आप लोग अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आप लोग इसको 1 हफ्ते के लिए और रखिए। चलिए अब आपको हम छिड़काव करके दिखाते हैं। देखिए हम किसान भाई लोग अभी अपने खेत के एकदम जहाँ से हमारे खेत में सबसे ज़्यादा नील गाय, जंगली सुअर, आवारा पशु आते हैं, वहाँ पे हम इसका छिड़काव करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए
इस तरीके से हम अपने लोटे से इसको अपने खेत के चारों तरफ इस तरीके से गिराते हुए आ जाएंगे। और देखिए किसान भाई लोग, एक जुगाड़ हमारा ये भी है। इसको काफ़ी लोग कहते थे कि ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हमारा देखिए आलू का खेत एकदम सेफ है, और यहीं हमारे पड़ोसी के खेत में जंगली सुअर अटैक कर चुका है, तो ऐसा नहीं है, हमारा जुगाड़ काम करता है। इस तरीके से हम अपने खेत के, चलिए किसान भाई लोग इसी तरीके से आपको भी छोटे एरिया में इस तरीके से छिड़काव करिए, और बाकी बड़े एरिया में आप स्प्रेयर मशीन के माध्यम से करिए। और बाकी अगर आप लोग को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।